फ्रेंड्स, आज मैं मटन करी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज की ये जो करी रेसिपी है ना, इसे मैंने बिल्कुल अपने तरीके से बनाया है, और वो भी इसमें मैं एक खास इंग्रेडिएंट का यूज़ करती हूँ, जिससे मेरी ये जो मटन करी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे इसका टेस्ट जाता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस मटन करी की रेसिपी के लिए मैंने 400 ग्राम मटन लिया हुआ है, और इसे अच्छे से धो करके मैंने इसका पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए, जैसे थाली एक तरफ टेढ़ी कर दीजिएगा ताकि सारा पानी निकल जाए। और फिर इसे एक बोल में ले लेंगे, और अब यहाँ पर लगभग 1/4 कप मैंने फ्रेश दही डाला है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। मटन को मैरिनेट करने से क्या होता है कि इसमें जो हींक वगैरह आती है थोड़ी सी, तो वो नहीं आती है और मटन बहुत सॉफ्ट और अंदर से बहुत जूसी बनता है। तो इस मटन को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे, और मैरिनेट करने के लिए इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, और कम से कम आधा घंटा या फिर फ्रिज में आप 4 से 5 घंटा भी इसे कवर करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ साबुत मसाले तड़के के लिए निकाल ले रहे हैं, तो जिसमें 2 तेज पत्ता मैंने लिया है, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच शाह जीरा, 4 से 5 लौंग लिया हुआ है मैंने, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी मैंने जावित्री लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मटन की जो मात्रा है वो भी बहुत कम है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1/4 टी स्पून काली मिर्च ले लेंगे। बस साबुत गर्म मसाले हमारे हो गए हैं, और अब मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज की प्याज लिया हुआ है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गांठ लहसुन मैंने छील कर रखा हुआ है, जिसमें कि अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन मैं एक साइड में अलग निकाल ले रही हूँ। और ये जो 4 मीडियम साइज के प्याज को मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इसमें लगभग आधा प्याज को मैंने कटे हुए प्याज को इसे भी एक साइड में अलग निकाल रहे हैं, क्योंकि इसे मुझे अलग अलग स्टेप में इसमें मीट में यूज़ करना है, तो वो मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। और अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा अदरक और लहसुन मैंने निकाला हुआ था, इसे इमाम दस्ते में हम अच्छे से कूट लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूटा है, कि इस अदरक और लहसुन को मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई करूँगी, और बाकी का जो लहसुन और प्याज है उसे मटन के साथ उसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। तो बस अब सारी तैयारी हो चुकी है, मैं यहाँ पर कुकर को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 1 कलछी सरसों का तेल डाल रही हूँ, सरसों के तेल में मटन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब क्या करेंगे कि सरसों के तेल को हम अच्छा गर्म करेंगे ताकि इसमें अच्छे से धुआं निकलने लगे, और जब इसमें धुआं निकलने लगेगा तो 1 टीस्पून पानी में 1 चुटकी नमक डालकर हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है कि तेल फट जाता है, इससे जो हमारा मटन है वो टेस्टी भी बनेगा, और मटन हाथ से खाने के बाद जो चिपचिपाहट हाथों में होती है वो भी नहीं होगी। और अब क्या करेंगे, तेल फाड़ने के बाद इसमें हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे, और तेल तो अच्छा गरम था तो मसाले तुरंत चिटकने लगे हैं। तो अब जो थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल कर अलग किया हुआ था, तो पहले थोड़ा सा प्याज, आधा प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ, और फिर आधे प्याज को इसे मीडियम फ्लेम पर हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो अभी प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो लहसुन अदरक को मैंने कूट कर रखा हुआ था, उस लहसुन अदरक को इसमें डाल देंगे, और फिर इसे भी प्याज के साथ आधे मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर लहसुन अदरक को आप मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनिएगा, नहीं तो लहसुन और अदरक जो है वो जल सकता है। तो अब लहसुन अदरक और प्याज भुन गया है, तो मैं यहाँ पर जो मैरिनेट किया हुआ मटन था उस मटन को डाल दे रही हूँ, और फिर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए कम से कम 15 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पर जो मैं मटन की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है फ्रेंड्स, अगर आप यही मटन 1-1.5 किलो के ऊपर की क्वांटिटी में बनाते हैं, तो मटन जब आप कुकर या किसी भगोने में बनाकर भूनेंगे ना, तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी रिलीज होता है, और उस समय आपको भूनने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको भूनना है तो फ्लेम को हाई रखना पड़ेगा। तो अभी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच बीच में रुकते हुए मटन को चलाया था, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है अब, और ऑयल भी दिख रहा है। तो बस इसी स्टेज तक हमें मटन को भून लेना है।
और अब जो प्याज और लहसुन मैंने रखा हुआ है बचाकर, वो सारा प्याज और लहसुन इसमें डाल देंगे। और फिर इसके साथ ही हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। इससे क्या होता है कि नमक से ये प्याज और लहसुन सॉफ्ट होगा, गलेगा और पानी रिलीज करेगा। और लहसुन और प्याज के पानी से ही मटन जो हमारा है वो धीमी धीमी आंच पर ये पकेगा भी। तो इस तरीके से हमें मटन को लगभग आधे घंटे तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है। और इस तरीके से जब आप खोल कर बीच बीच में चलाते हुए मटन को भून कर पकाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये जो मटन का टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो इसी तरीके से थोड़े से पेशेंस के साथ अगर आप बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर मटन को भून भून कर पकाएंगे ना फ्रेंड्स, तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो प्याज को अभी गलने में वक्त है, इसे मैं ढक ढक के इस तरीके से चलाती रहूंगी और तब तक बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी ले ली है मैंने, इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने पोस्ता का दाना यानी कि खसखस लिया है, थोड़ा सा मैंने सूखा वाला नारियल यानी कि मसाले वाला नारियल लिया हुआ है। इसे मसाले वाले नारियल को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दे रही हूँ और फिर इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे ताकि ये जल्दी से फूल जाए। ये जो खसखस है और ये नारियल है इसे पीस कर मैं मटन में डालूंगी, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। आप जो काजू वगैरह डालकर बनाते हैं बिल्कुल भूल जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से आप हमेशा यही बनाएंगे। तो अभी इस मटन को पकाते हुए लगभग 20 मिनट ही मुझे हुआ है, अभी इसे 20 मिनट मैं और पकाऊंगी और फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। तो फ्रेंड्स, कम मटन और ज़्यादा मटन बनाने का थोड़ा सा अंतर ये होता है ना कि अगर आपका ये जो मटन है 1-1.5 किलो के ऊपर होता ना, तो प्याज ज़्यादा पड़ता, लहसुन ज़्यादा पड़ता, इसकी वजह से कुकर में मॉइस्चर बहुत होता, प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता। तो आपको फ्लेम जो है उस समय, जैसे कि मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम किया हुआ है, हाई फ्लेम पर इस तरीके से कवर करके आपको भूनना होता ताकि वो जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है प्याज का, वो जल जाए। तो अब भूनते भूनते ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। पाउडर मसाले के लिए 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला हुआ है। लाल मिर्च मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे कि इसका कलर अच्छा आए। तो चूंकि मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं था तो मसाले अच्छे से भून जाए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और फिर स्लो फ्लेम पर इसे हल्का सा कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट ही मैंने इसे कवर किया हुआ था, मसाले भून चुके हैं। बहुत ज़्यादा इन मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि मटन में ऑयल अच्छे से रिलीज हो चुका है। और अब मैंने क्या किया है कि जो पोस्तो यानी कि खसखस और नारियल मैंने भिगाया हुआ था उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और इस स्टेज पर जब मसाले आपके लगभग भून जाएँ तो उसे आपको पोस्तो और नारियल को डाल देना है पिसा हुआ। तो अब क्या होगा कि नारियल और पोस्तो और साथ में जो मैंने पाउडर मसाले डाले हैं वो सारी चीज़ें हम एक साथ इसे कवर कर करके लगभग 2 बार हम मैंने यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच कर इसे पर इसे कवर कर करके पकाया है। इससे क्या होता है कि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और किसी मसाले में कच्चापन होने का कोई भी डाउट नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने जो नारियल और पोस्तो डाला था और पाउडर मसाला उसे 2 से 3 मिनट पहले डालकर भुना था, अब इन सारी चीज़ों को एक साथ हम धीमी आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए 2 बार मैंने यहाँ पर कवर कर करके भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा टेक्सचर इस मटन का आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इस स्टेज पर घूमते घूमते मुझे लगभग 45 मिनट हो चुके हैं और अब ये जो मटन है लगभग 90-95% तक पक गया है। आप देख सकते हैं हड्डी भी जो है छोड़ दिया है, इसका मतलब मटन जो है लगभग पक गया है। तो आप क्या करेंगे कि हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, लेकिन अगर आपको ड्राई मटन पसंद है तो आप इसी स्टेज पर 2 चम्मच पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पर पका सकते हैं और ड्राई मटन पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर करी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर लगभग 200 ml पानी डाल दिया है और पानी डालकर इसे मिक्स कर देंगे और फिर कुकर की लिड को लगाकर मैंने हाई फ्लेम पर इसे 1 प्रेशर आने तक पका लिया है।
तो एक प्रेशर ही मैंने पकाया है, क्योंकि खोलकर मटन मैंने बहुत देर तक भुना था, लगभग पक गया था। तो दोस्तों, कभी भी आप अगर इस तरीके से बहुत टेस्टी मटन खाना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और इस तरीके से बनाने पर क्या होता है कि अगर आपको करी ज़्यादा की आप पसंद करते हैं तो करी ज़्यादा भी लगाएंगे ना, जो रस्सा है तो रस्सा आपका पतला नहीं होगा और बहुत ही स्मूथ और क्रीमी रस्सा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये मटन करी की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।